हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, SBC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम BCOM पार्ट थर्ड का जो पेपर आपका है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसका जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मीन्स सामाजिक सुरक्षा का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में बीमा जो है सामाजिक सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा से हम क्या समझते हैं। तो सामान्य अगर हम अर्थ देखें तो सामाजिक सुरक्षा का जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ माना जाता है। मीन्स सोशल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले अमेरिका में देखने को मिला। अमेरिका में ही सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में विचार किया गया कि जहाँ भी व्यक्ति कार्य करता है, संस्था है, समाज में हम रहते हैं, तो वहाँ सामाजिक सुरक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। तो सामाजिक सुरक्षा का अगर बच्चों अर्थकरण देखें तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग डिफरेंट डिफरेंट लगाया जाता है, क्योंकि हर देश की समय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो वास्तव में अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ एवं वहाँ की सामाजिक सुरक्षा योजना के अनुरूप ही उस देश में शब्द का अर्थ लगाया जाता है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर ये कहें कि सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के समय प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा से लगाया जाता है। कहने का आशय यह है बच्चों मेरा कि यदि मान लीजिए आज हमारा जो जीवन है अनिश्चितता, आज हम अनिश्चितता के वातावरण में रहते हैं और जोखिम हमारे चारों तरफ व्याप्त है। सपोज़ करिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी कारण उसको दुर्घटना उसकी हो जाती है, वो किसी भी तरीके से अपंग हो सकता है स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। और यदि वही अकेला व्यक्ति परिवार का मुखिया है या कमाने वाला हो तो परिवार पर आर्थिक स्थिति जो होती है बिल्कुल विषम हो जाएगी और एक तरह से परिवार का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार किसी को कोई ना इलाज बीमारी हो जाए, बुढ़ापा, जबकि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता लगभग क्षीण हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आय के साधन नहीं के बराबर होते हैं या हम कहें आय के साधन लगभग समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक सुरक्षा ही एक ऐसा उपकरण या हम कहें साधन माना जाता है जो कि हमें आर्थिक हितों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर हम देखें तो समाज में आज हम दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा तथा मृत्यु के समय प्रदान की जाने वाली आर्थिक सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा को ही हम सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारे साथ दुर्घटना और इस तरह की जोखिम हम उत्पन्न हो जाती है तो पूरे परिवार के लिए अपना जीवन यापन करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसे विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा एक तरह से रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा उसे आर्थिक स्थिति से को उभरने में मदद मिलती है, क्योंकि यदि व्यक्ति पर अचानक इस तरह की विपदा आ जाए तो व्यक्ति एक तरह से हम कहें तो बिल्कुल ही निसहाय असहाय महसूस करता है। लेकिन यदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ उसे प्राप्त होता है, सामाजिक सुरक्षा अगर उसको दी जाती है तो वह अवश्य ही अपनी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार की परिस्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा है जिसके कारण व्यक्ति के आर्थिक हितों का संरक्षण होता है तथा भविष्य में परिवार को कठिनाइयों आने पर उनका मुकाबला करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार हम कहें तो प्रत्येक देश में सामाजिक सुरक्षा के द्वारा व्यक्तियों के हितों की रक्षा होती है। अब अगर हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी हुई है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, तो उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। तो उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहना है कि सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों के जीवन में आने वाले जोखिम के विरुद्ध प्रदान की जाती है। कहने का आशय है कि बच्चों कि सामाजिक सुरक्षा में हम वे सभी सुरक्षा महसूस शामिल करेंगे जो भी किसी भी संस्थाओं के माध्यम, यानी सामाजिक सुरक्षा जब योजना में लागू करेंगे वो भी किसी संस्थाओं के माध्यम से दी जाएंगी। तो इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जो जोखिम उत्पन्न होती है, चाहे वो दुर्घटना संबंधी हो, बीमारी संबंधी हो, या हम कहें वृद्धावस्था संबंधी हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा
जो जोखिम उत्पन्न होती है उसके विरुद्ध जो सुरक्षा उन्हें दी जाएगी वो सामाजिक सुरक्षा की श्रेणी में शामिल मानी जाएगी। इसी क्रम में अगर हम देखें तो सर विलियम जो बेवरिज है वे कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पांच दानवों पर आक्रमण बताया उन्होंने, जिनमें पांच दानव कौन है, हमारे अभाव यानी कमी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी एवं बेकारी, ये पांच कारण बताए उन्होंने जिसके कारण सामाजिक सुरक्षा करना आवश्यक हो जाता है। कहने का आशय है बच्चों कि यदि किसी भी प्रकार की बीमारी अगर व्यक्ति को हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उसी की उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से बेकारी की अगर हम बात करें, बेरोजगारी है, ठीक है, अज्ञानता है, तो इस तरह की जो जोखिम होती है व्यक्ति के जीवन से जुड़ी होती है, इसका सीधा ही असर व्यक्ति के जीवन स्तर पर पड़ता है और परिवार भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो जोखिम होती है उनके विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा में प्रदान करके व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे बच्चों में ये कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा जो एक तरह से व्यक्ति के हितों की संरक्षण के लिए एक अच्छा उपाय बताया गया है। सामाजिक सुरक्षा के द्वारा व्यक्ति को बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी, है ना, अज्ञानता, इन सबके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है। आज के समय में हम देखें तो जहाँ भी कर्मचारी कार्य करता है तो कार्य करने के दौरान यह भी देखता है कि वहाँ की सुविधाएँ किस प्रकार की उसे दी गई है, क्योंकि आज व्यक्ति का मन केवल वहीं लगेगा कार्य में जहाँ पर उसे अपने कार्य के प्रति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। क्योंकि यार कोई कर्मचारी अगर कार्य करता है, यदि वो किसी भी कारण से दुर्घटनावश हो जाता है या कहें हम अपंग हो जाता है, स्थायी या अस्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए परिवार के सामने जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। तो सामाजिक सुरक्षा के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर हम देखें तो आज हमारे देश में कई प्रकार की सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें नियोक्ता कर्मचारी अपना अंशदान देते हैं और उसके माध्यम से उन्हें सब सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें बच्चों तो सामाजिक सुरक्षा आज के जीवन में व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम बीमा की बात करें तो बीमा इसमें सहायक भूमिका निभा रहा है। आज हम देखें तो बेरोजगारी बीमा है ना, इसी तरह से हम मेडिकल पॉलिसी हम ले लेते हैं जो कि हमें भविष्य में होने वाली बीमारी से सुरक्षा देता है और उससे होने वाले जोखिम को कवर करता है। इसी तरह से बेरोजगारी बीमा है, अन्य प्रकार की बीमा, इस तरह के हम साधन लेकर हम अपने समाज के प्रति सुरक्षित हो सकते हैं, हम समाज को सुरक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों सामाजिक सुरक्षा हमारे लिए जोखिम से बचने का एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और प्रत्येक संस्था जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ अवश्य लिया जाता है और अधिक से अधिक कर्मचारी सामाजिक योजनाओं सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपने भावी जीवन में अपने तथा अपने परिवार की आर्थिक हितों की रक्षा कर पाए और भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक विपत्ति का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक सुरक्षा जो है आज अपने व्यापक रूप में है और दिनों दिन उसका विकास होता जा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वप्रथम इसका विचार जो सामने आया था, लेकिन आज प्रत्येक देश में सामाजिक सुरक्षा को किसी न किसी रूप में अपनाया जा रहा है ताकि हम अपने देश के में रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त लाभ दे सके और उनके तथा उनके परिवार की रक्षा कर पाए। क्योंकि आजीवन हमारा अनिश्चित है, किसी भी क्षण किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना कर सकती है जो कि उसके परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आ सकती है। अतः सामाजिक सुरक्षा का महत्व समझते हुए हमें इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा के द्वारा अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही कहना चाहूँगी, अगले लेक्चर में हम अगले नए टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अब आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस विषय को आप अच्छे से पढ़ें, समझिए और अपना अध्ययन जारी रखें। अगले लेक्चर में हम अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।